कीलक स्तोत्र का पाठ करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। कीलक स्तोत्र माता दुर्गा को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक शक्तिशाली और विशेष उपाय है। श्रद्धा भक्ति भाव और विधि पूर्वक कीलक स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इसका पाठ करने से भक्तों को देवी माँ का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्त को माँ दुर्गा का आशीर्वाद, कृपा और नकारात्मक ऊर्जा या शक्तियों से सुरक्षा प्रदान हो जाती है। कीलक स्तोत्र विनि योग है। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य है, शिव ऋषि अनुष्टुप छंद है। श्री महा सरस्वती देवता जगदम्बा प्रत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे नमः। श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः। सोमार्ध धारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणाम् अभिकीर्तकम्। प्राप्त निमित्ताय नमः। सोमार्ध धारिणे सोपिक्षेम वाप्नोति सत्तम जाप्य तत्परः। सिद्धन्तु चाटनादीनि वस्तुनि सकलानपि एतेन सुताम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किंचिदपि विशिष्यते विना जाप्यने सिद्धेत सर्वोच्चाटनादिकम्। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं। नवरात्रों में जो सप्तशती का के पाठ का बहुत महत्व है, उससे भी अधिक पाठ प्रारंभ करने से पहले कीलक स्तोत्र का करना बहुत ही अनिवार्य है। सनातन धर्म के अनुसार शास्त्रों में कीलक स्तोत्र का करना बहुत ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जब हम दुर्गा सप्तशती पाठ का आरंभ करते हैं और कीलक स्तोत्र का पाठ नहीं किया, उससे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का कोई महत्व नहीं होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, प्रार्थना करता है और विधि विधान के साथ में इस व्रत को 9 दिन तक इसका रखता है। व्रत को उसको सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में धन की वृद्धि, शरीर का स्वास्थ्य और सभी जो कुटुंब को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। घर की कीलक स्तोत्र करने से पूरी सुरक्षा हो जाती है। नवरात्रों के दौरान जिस समय हम 9 दिन तक पूजा करेंगे, कोई भी दुष्प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जैसे जो कवच होता है ऐसे हम कीलक को भी वो जब कील देते हैं तो बाहर की जो दुष्प्रभाव है किसी प्रकार का भी, या कोई हमारा अहित करना चाहता है, तो कीलक पाठ करने से इन सभी जो बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारी 9 दिन तक की पूजा एक निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होती है। इसीलिए कीलक स्तोत्र का पाठ करना अति अनिवार्य है। शास्त्रों में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है।